हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, नाउ टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन एकेडमिक ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, क्लास आपकी आरआरबी एनटीपीसी 2019 एग्जाम के लिए है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट एनटीपीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो दोस्तों सबसे पहले इस क्लास का टाइम नोट कर लीजिए, 1 बजे, ठीक है, 1 PM पे ये क्लास डेली अपलोड होती है टॉपिक स्टडी चैनल पे, जिसमें मैं आपको जीके का एक नया टॉपिक, अभी हिस्ट्री चल रही है तो हिस्ट्री का आज जैसे हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो कवर करेंगे। इसी तरीके से जीके का मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ, तो आप में से जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं टाइम को नोट कर लीजिए और डेली क्लास को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी ग्रुप में जो भी आपके फ्रेंड है जो भी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी एग्जाम की उनको भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा वंश सबसे प्राचीन है, यानी कि सबसे पुराना वंश कौन सा है। इन चारों में से अगर ऑप्शन देखा जाए तो आपका यहाँ पे रहेगा मौर्य वंश, ठीक है, क्योंकि उपरोक्त जितने भी वंश हैं इनमें से सबसे पुराना वंश मौर्य है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मौर्य वंश की तो 323 ईस्वी पूर्व से, एक देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 323 BC से 184 BC तक ये आपका वंश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा गाइज, ठीक है। अगर मैं इनको सिस्टमेटिक वे में लगाऊँ तो सबसे पहले आपका मौर्य वंश आया, उसके बाद में आपका कण्व, और उसके कण्व आया, फिर उसके बाद में कुषाण, फिर आपका गुप्त आया। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कुछ इस प्रकार ये होंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, बाकी इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा सबसे प्राचीन या फिर मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था, इस तरीके से पूछा जा सकता है। चाणक्य किस नाम से जाना जाता था, फटाफट आंसर बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए, चाणक्य अर्थशास्त्र का लेखक था, यह तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य भी था, इसे कौटिल्य वे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे कौन सा, देखिए कौटिल्य है, अगर कौटिल्य यहाँ पे ना देखे विष्णुगुप्त दे दिया जाता तो विष्णुगुप्त आंसर हो जाता, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है गाइस, इतना ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म आपका 340 BC पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, कहाँ पे, पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, और इन्होंने मगध पर 24 वर्ष तक शासन किया, ठीक है, और ग्रीक और लेटिन लेखों के चंद्रगुप्त लेखक थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 340 ईस्वी पूर्व, यानी कि ऑप्शन, सॉरी 340 यानी कि ऑप्शन ए रहेगा, ये मैंने गलत यहाँ पे लगा दिया। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था। देखिए, कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है वो कहाँ पे मिलता है, अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8 वर्ष अर्थात 261 ईस्वी में, ठीक है, तो इसका सही आंसर तो आपका हो गया ऑप्शन बी, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में हुए भारी नरसंहार, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा मारकाट हो गई थी, इससे अशोक ने युद्ध नीति को त्याग दिया था, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद कौन सी नीति अपनाई थी, धर्म नीति, अर्थात धर्म नीति, यहाँ पे धम्म नीति भी इसको बोला जाता है, धम्म नीति या फिर धर्म नीति को अपना लिया था। तो कई बार ये भी आता है कि अशोक ने धर्म नीति या फिर धम्म नीति कब अपनाई थी, कलिंग युद्ध के बाद अपनाई थी, ये दोस्तों याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इतना समझ में आ रहा है आप सभी को, क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, फटाफट से शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए, अभी 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 शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको रोज़ बोलता हूँ और आप शेयर नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा ही, मतलब इतने, इतना भी यार ढीठ नहीं होते कि मैं डेली आपको बोलता हूँ कि शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कुछ ना कुछ आपको सोचता होगा, समझता होगा, तभी आपसे बोलता होगा, ठीक है, तो आप शेयर जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। बिल्कुल, देखिए, अशोक की प्रशासनिक नीति में परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद आया था, अभी मैंने बताया था, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद वहां हुए
जो मारकाट जो बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत आदमी मर गए थे उस युद्ध में। उसके बाद युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति अपना ली थी, यानी कि धर्म की नीति अपना ली थी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, कलिंग युद्ध के बाद। तो सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया, वह संत जिसने अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया, इसका सही आंसर रहेगा बिल्कुल। देखिए, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर, मैंने अभी बताया, धर्म नीति अपना ली थी। अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और उसे बौद्ध धर्म में मतलब बौद्ध धर्म को प्रति, मतलब अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, प्रभावित करने वाला कौन था, वो था उपगुप्त। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है गाइस, बिल्कुल। मैं आपके कमेंट भी देख रहा हूँ, आप कमेंट भी करते रहिए, आंसर जितने भी आते हैं उनके कमेंट बराबर नीचे कमेंट बॉक्स में आते रहने चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। बिल्कुल, देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेलुकस निकेटर का सेनापति, जो कि उसके पूर्व साम्राज्य की उत्तर अधिकारी था, और वह कौन था, मैग्नेस्थनीज था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मैग्नेस्थनीज, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, इसका आंसर बताइए जल्दी से, अभी मैं आपको बता क्या हूं। बिल्कुल, अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त द्वारा की गई थी। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है, ठीक है, और जिसमें प्रशासन राजनीति सिद्धांतों के बारे में जानकारी दी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौटिल्य। वो आपको देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर आपसे कौन से नाम से पूछता है, चाणक्य के नाम से, कौटिल्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से, जो भी बोले वही आपको आंसर लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए, अलेक्जेंडर यानी कि जिसको सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था, और पोरस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कहाँ पे दोस्तों, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, झेलम नदी के तट पर। ठीक है, अलेक्जेंडर और यानी कि सिकंदर और राजा पोरस के मध्य 326 बीसी में झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितने में, ये होता 326 बीसी में। ठीक है गाइस, तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सेलुकस निकटतर को किसने हराया था, सेलुकस निकेटर को किसने हराया था, सॉरी, तो सेलुकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब हराया था, देखिए, 305 बीसी में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को पराजित किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, इसके बाद क्या हुआ था, हराने के बाद में भी इन दोनों के बीच में एक संधि हो गई थी, जिसको वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे इनके बीच में। तो इसको सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा गाइस, बी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सेलुकस निकेटर को किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और इसमें जो सेलुकस था, उसने अपनी पुत्री हेलना, जिसका नाम हेलना था, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त के साथ में कर दिया था। चलिए, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सिकंदर के मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का पूर्व भाग किसके अधीन हो गया, सिकंदर के मृत्यु के पश्चात साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन हो गया। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा सेलुकस निकेटर के। तो इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे। सिकंदर की मृत्यु लगभग 323 बीसी में बेबीलोन में हुई थी दोस्तों। तो इसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य का बंटवारा हो गया, और तथा पूर्वी भाग उसके सेनापति सेलुकस निकेटर को कब्जे में था, तो वो उसी का ही हो गया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं है।
देखिए, अजात शत्रु मौर्य वंश का नहीं बल्कि हर्यक वंश से संबंधित है। और देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता हासिल की थी। किसने? अजात शत्रु ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? बिल्कुल, अजात शत्रु इसका सही आंसर रहेगा। तो इनमें से कौन सा मौर्य वंश का से संबंधित नहीं है? अजात शत्रु। और मैंने एक चीज़ और यहाँ पे बताई आपको, इसने बिंबिसार अपने पिता की हत्या करके सत्ता हासिल की थी, इसको पितृहत्या भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? तो देखिए, सबसे पहले भारत आने वाला जो है वो मैग्नस्थनीज ही है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? बिल्कुल, देखिए सम्राट अशोक अपनी पत्नी करुणावाकी से बहुत प्रभावित था। यह अशोक की दूसरी पत्नी तथा राजकुमार तीवर की माता थी। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये एक मछुआरे की पुत्री थी दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? करुआ की। ठीक है, आप आंसर करते रह रहे, मैं आपके आंसर भी देखता हूँ, मैं आपके कमेंट पे भी ध्यान रखता हूँ कि जो आप कमेंट करते हैं, तो दोस्तों आप कमेंट करते रहा करें जो भी आपको आता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो अभी मैंने बताया था जो इसका बेटा था बिंबिसार का, इसको मार के, ठीक है, जिसने सत्ता पर मतलब हासिल की थी, तो वो हर्यक वंश का था, तो ये भी हर्यक वंशी का ही होगा। बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक का। नेक्स्ट है, घटोत्कच 290 ईस्वी पूर्व से 305 ईस्वी पूर्व किस वंश का शासक था? बिल्कुल, इसका सही आंसर गुप्त वंश रहेगा। देखिए गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, ठीक है, और उसका उत्तराधिकारी वह पुत्र घटोत्कच था। श्रीगुप्त का जो पुत्र था वह कौन था? घटोत्कच था। हाँ, और देखिए एक चीज और यहाँ पे मिलती है, गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शनी भी था, प्रियदर्शी भी था? बिल्कुल, देखिए मौर्य राजा अशोक का नाम प्रियदर्शी भी था, तो इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए लगाएंगे गाइस। देखिए मौर्य सम्राट अशोक ने सव्य को अपने अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में काशी से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक यानी कि मैसूर तक फैला हुआ था। तो इसमें कौन सा रहेगा? हिंदू कुश पर्वत तक। तो यानी कि सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा गाइस। ठीक है भाई, सही आंसर डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या रहेगा? देखिए इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट है, आर्यभट्ट और वाराहमिहिर के सुव्याख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? बिल्कुल गुप्त वंश के, तो इसका सही आंसर आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे गाइस। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? देखिए यूनानियों को परास्त कर वे उनको भारत से बाहर निकालने का श्रेय मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, जिसने सेलुकस निकेटर को पराजित किया था। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? बिल्कुल देखिए यहां पे आता है अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने 185 ईस्वी में की थी। इसके बाद मगध पर सुंग वंश की नींव रखी गई और इस वंश का अंतिम शासक देवव्रत था। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों, सुंग वंश। ठीक है, तो मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश के आकर मगध राज्य पर शासन किया था, सुंग वंश। ठीक है, बिल्कुल आपके भी आंसर सबके सही जा रहे हैं, आप आंसर करते रहिए। नेक्स्ट है, अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल मैंने बौद्ध धर्म और आपका बौद्ध और जैन धर्म को वीडियो अपलोड की थी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए थे। नहीं देखी होगी तो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। बिल्कुल, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामित्रों की नियुक्ति की, जिनका मुख्य कार्य क्या था, जनता में धम्म का प्रचार करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, धर्म महापोत्रों को भेजकर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? बिल्कुल देखिए शिलालेख राजादेश 13 का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है गाइस, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और पाटलिपुत्र को हर्यक वंश के शासक उदयन ने बसाया था। तो सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों इसका, बिल्कुल सही ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? तो सही आंसर क्या रहेगा, बिंदुसार, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान स्थानिक कौन था? बिल्कुल जिला प्रशासक इसका सही आंसर रहेगा। तो गाइस सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि ये वीडियो आपको कितने स्टूडेंट को पसंद आई। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं आपको जीके का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूं, तो आप डेली सबसे पहले तो टाइम नोट कर लीजिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, NTPC के लिए पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है आपका टॉपिक स्टडी चैनल पे, और ये वीडियो जो आपकी आती है 1 PM पे आती है।
ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो फिर आपको वीडियोस नहीं मिल पाएगी रेगुलरली। तो अगर आप एनटीपीसी की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों देखिए, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप नॉर्मली मेरा नाम सर्च करिएगा, सौरभ मलिक। इंस्टाग्राम पे अगर आप फॉलो करते हैं तो सौरभ मलिक 17 के, और फेसबुक पे सौरभ मलिक सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर सारी वीडियोज़ देख लेनी है। और इसी तरीके से रेगुलरिटी के साथ में देखते रहेंगे तो सब कुछ कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।